दोस्तों, जैसे जैसे आईपीएल नज़दीक आता है वैसे वैसे आईपीएल फैंस के दिमाग में एक सवाल जरूर आता है, और वो सवाल होता है कि इस बार की ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी के सर पर सजेगी। तो दोस्तों, इसी सवाल का समाधान करने के लिए आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 ऐसे खिलाड़ियों की जो कि इस बार की ऑरेंज कैप जीतने के प्रबल दावेदार है। तो चलो फिर सीधे मुद्दे की बात करते हैं। तो हमारे टॉप 10 ऑरेंज कैप कंटेंडर्स की लिस्ट में नंबर 10 पर है सूर्य कुमार यादव। दोस्तों, फिलहाल ये वाला सूर्या डॉन नंबर 1 वाले सूर्या भाई से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि सूर्या भाई ने पिछले कुछ सालों से T20 क्रिकेट में ऐसी बैटिंग करी है कि यह खिलाड़ी ICC की T20 रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंच गया है। और यही गर्मा गर्म फॉर्म सूर्य कुमार यादव IPL 2023 में भी बरकरार रखता है, तो सूर्य कुमार यादव को इस बार की ऑरेंज कैप जीतने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 9 पर है कोलकाता नाइट राइडर्स का कप्तान श्रेयस अय्यर। तो इस बार KKR की टीम में से कोई ऑरेंज कैप जीतने का दम रखता है तो वो मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं श्रेयस अय्यर साल 2022 में टीम इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाला खिलाड़ी है, और जो खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बना सकता है उसके लिए IPL में ऑरेंज कैप जीतना कोई मुश्किल काम नहीं है। नंबर 8 पर है IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले विराट कोहली। तो जब तक विराट कोहली खेल रहा है तब तक मैं इस खिलाड़ी को ऑरेंज कैप के टॉप 10 कंटेंडर्स में ज़रूर रखूंगा, क्योंकि मैंने इस खिलाड़ी को IPL 2016 में बैटिंग करते हुए देखा है, जहां पर इसने एक सीज़न में इतने रन बनाए थे जितने कभी कभार कोई खिलाड़ी अपने पूरे IPL करियर में नहीं बना पाता। IPL 2016 में विराट कोहली ने 973 रन बनाकर ऑरेंज कैप पर अपना दबदबा बनाया था, और जिस हिसाब से कोहली ने साल 2023 की शुरुआत करी है वो देख के लगता है कि एक बार फिर से विराट कोहली ऑरेंज कैप पर अपना कब्जा जमाएंगे। नंबर 7 पर है एक और RCB का खिलाड़ी, नाम है उसका फाफ डू प्लेसी। दोस्तों, फाफ डू प्लेसी एक T20 स्पेशलिस्ट बैट्समैन बन चुका है, क्योंकि अभी यह ना ही टेस्ट खेलता है और ना ही वनडे खेलता है। अब इस खिलाड़ी का फोकस सिर्फ और सिर्फ T20 क्रिकेट पर है, और ये T20 क्रिकेट का काफ़ी कंसिस्टेंस परफॉर्मर भी है। आप अगर पिछले कुछ IPL सीजन के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों के लिस्ट देखोगे तो उसमें आपको फाफ डू प्लेसिस का नाम बहुत ही ऊपर देखने को मिलेगा। इसलिए मेरे हिसाब से इस बार के IPL में RCB का कप्तान फाफ डू प्लेसी भी ऑरेंज कैप जीतने के लिए पूरी तरह से कैपेबल है। नंबर 6 पर है चेन्नई सुपर किंग्स के ऋतुराज गायकवाड़। दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ फिलहाल इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट का वन ऑफ द बेस्ट खिलाड़ी है, और जब मैंने इस साल की विजय हजारे ट्रॉफी में ऋतुराज गायकवाड़ का परफॉर्मेंस देखा तो मैं इस खिलाड़ी को ऑरेंज कैप के टॉप 10 कंटेंडर्स में रखे बिना रह नहीं पाया। ऋतुराज गायकवाड़ ने साल 2022 की विजय हजारे ट्रॉफी में सिर्फ 5 मुकाबलों में 3 शतक और एक दोहरा शतक लगाया है। इसके अलावा गायकवाड़ एक सिंगल ओवर में 7 छक्के भी लगा चुका है, और ये सिर्फ डोमेस्टिक में ही नहीं बल्कि IPL में भी अपना जलवा दिखा चुका है। आपको याद हो तो साल 2021 की ऑरेंज कैप ऋतुराज गायकवाड़ ने ही जीती है। दोस्तों, नंबर 5 पर हमने रखा है खुद गब्बर शिखर धवन को। शिखर धवन IPL में दो चीज़ों की वजह से बहुत ही मशहूर है, जिसमें पहली चीज़ है चौके मारना और दूसरी चीज़ है कंसिस्टेंसी। शिखर धवन ने पिछले 7 IPL सीजन में 3 अलग अलग टीमों की तरफ से खेला है, और उन सभी 7 सीजन में गब्बर ने 400 से ज़्यादा रन बनाए हैं, और इस बार तो शिखर धवन पंजाब किंग्स की कप्तानी भी करने वाले हैं। इसलिए इस बार शिखर धवन को और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलना पड़ेगा, और इस बार अगर धवन अपनी कंसिस्टेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर खरे उतरते हैं तो ऑरेंज कैप के शिखर पर शिखर धवन को पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 4 पर है राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन। दोस्तों, ये खिलाड़ी बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड खिलाड़ी है, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल क्रिकेट में इसको अपना टैलेंट दिखाने के लिए ज़्यादा मौके नहीं मिले हैं। लेकिन IPL में हर साल ये खिलाड़ी अपने टैलेंट की झलक दिखाता है। इस खिलाड़ी के पास ताकत और टाइमिंग दोनों चीज़ें हैं, और जब से संजू सैमसन को IPL में कप्तानी मिली है तब से इसके परफॉर्मेंस में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसलिए मेरे हिसाब से IPL 2023 में संजू सैमसन भी ऑरेंज कैप जीतने का एकदम कड़क दावेदार है। नंबर 3 पर है करंट ऑरेंज कैप होल्डर, नाम है उसका जोस बटलर। और गेंदबाजों के अंदर खौफ पैदा करने के लिए यह नाम ही काफ़ी है, क्योंकि फिलहाल व्हाइट बॉल क्रिकेट में इससे ज़्यादा खतरनाक ओपनर और कोई नहीं है। IPL 2022 में जोस बटलर ने ऑरेंज कैप को चारों तरफ से घेर लिया था, और किसी दूसरे बल्लेबाज की ऑरेंज कैप पर नज़र भी नहीं पड़ने दी थी। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि पिछले साल जोस बटलर ने 17 मैचों में
चार शतक की मदद से 863 रन बनाए थे। और जोस बटलर इसी तरह बैटिंग करता रहा तो आने वाले आईपीएल सीजन में भी ऑरेंज कैप के ऊपर जोस बटलर का नाम ही लिखा जाएगा। नंबर दो पर है ऑरेंज कैप का राजा डेविड वार्नर। और मैं इसको ऑरेंज कैप का राजा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा 3 बार ऑरेंज कैप जीत चुका है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि आईपीएल के इतिहास में 3 बार ऑरेंज कैप जीतना खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। वार्नर ने आईपीएल में साल 2015, 2017 और 2019 में ऑरेंज कैप जीती है। यानी कि डेविड वार्नर को ओड ईयर में ऑरेंज कैप जीतना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और आईपीएल 2023 भी एक ओड ईयर है। और मैंने सुना है कि आईपीएल 2023 में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी डेविड वार्नर करने वाले हैं। और इतिहास गवाह है, जब भी वार्नर आईपीएल में कप्तानी करता है तब उसके ऑरेंज कैप जीतने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये सारे संकेत एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि आईपीएल 2023 में डेविड वार्नर एक बार फिर से ऑरेंज कैप जीतने के लिए तैयार है। दोस्तों अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिस खिलाड़ी के आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों उस खिलाड़ी का नाम है केएल राहुल। दोस्तों केएल राहुल और ऑरेंज कैप की लव स्टोरी दुनिया भर में मशहूर है क्योंकि इस खिलाड़ी ने पिछले 5 सालों में ऑरेंज कैप की लिस्ट में अपनी अलग ही जगह बनाई है। केएल राहुल ने पिछले 5 आईपीएल सीजन में 500 से ज़्यादा रन बनाए हैं और इसी कंसिस्टेंसी की वजह से मैंने इस लिस्ट में केएल राहुल को नंबर 1 पर रखा है। और केएल राहुल की एक और खास बात यह है कि ऑरेंज कैप का नाम सुनते ही इसके अंदर क्रिस गेल की आत्मा आ जाती है। इसलिए मेरे हिसाब से आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप जीतने के सबसे ज़्यादा चांसेस केएल राहुल के हैं। तो दोस्तों पेश है आपके सामने आईपीएल 2023 के टॉप 10 ऑरेंज कैप कंटेंडर्स। नंबर 1 केएल राहुल, नंबर 2 डेविड वार्नर, नंबर 3 जोस बटलर, नंबर 4 संजू सैमसन, नंबर 5 शिखर धवन, नंबर 6 ऋतुराज गायकवाड़, नंबर 7 फाफ डुप्लेसी, नंबर 8 विराट कोहली, नंबर 9 श्रेयस अय्यर और नंबर 10 सूर्य कुमार यादव। तो दोस्तों आपके मुताबिक आईपीएल 2023 की ऑरेंज कैप इन 10 खिलाड़ियों में से कोई जीतेगा या फिर कोई और ही खिलाड़ी बाजी मार जाएगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और आईपीएल की सभी अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों अब आपसे मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो में। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, प्यार फैलाते रहिए क्योंकि नफरत फैलाने का कोई फायदा नहीं है।